रुक करेंगे खबरों की ओर। सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से लखनऊ से एक बड़ी खबर मिल रही है। आज बीजेपी में शामिल होंगे कई पार्टियों के नेता, शाम 4 बजे बीजेपी में शामिल होंगे कई पार्टियों के नेता और कांग्रेस की बागी विधायक अदिति सिंह भी बीजेपी में शामिल होंगी। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज कई सारी पार्टियों के नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। शाम को 4 बजे बीजेपी में शामिल होंगे कई नेता और साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस की बागी विधायक अदिति सिंह भी बीजेपी में शामिल होंगे। बता रहे हैं सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, आज बीजेपी में कई सारे नेता शामिल हो सकते हैं, कई विपक्षी पार्टियों के नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। और साथ ही आपको बता दें कि शाम 4 बजे ये सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम होगा जिसमें बीजेपी की सदस्यता लेंगे कई सारे नेता और साथ ही कांग्रेस की बागी विधायक अदिति सिंह भी शामिल होंगी। ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता अवनीश हम साथ में जुड़ गए हैं। अवनीश, कई दिनों से ये अटकलें तेज हो गई थी कि अदिति सिंह बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। पिछले दिनों देखा हमने जिस तरह से उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की थी और प्रियंका गांधी वाड्रा पर निशाना साधा था, उसके बाद में अटकलें काफी ज्यादा तेज थी और अब शाम को 4 बजे ये जानकारी मिल रही है कि बीजेपी की सदस्यता ले सकती है, क्या ज्यादा जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए आज शाम को 4 बजे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र सिंह कई राजनीतिक दलों के नेताओं को भाजपा की सदस्यता दिलाएंगे। और जो इसमें सबसे अहम नाम निकल कर सामने आ रहा है वह अदिति सिंह के रूप में आ रहा है, वो चूंकि कांग्रेस की बागी विधायक है और कई सालों से देखा जा रहा था कि वह लगातार भाजपा की ओर से अपनी बात रख रही थी, तो अटकलें लगाई जा रही थी कि वह भाजपा की सदस्यता कभी भी ग्रहण कर सकती है। ऐसे में वह वक्त आ गया है क्योंकि विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, तो अगर अदिति सिंह आज भाजपा की सदस्यता लेती हैं तो जो अटकलें लगाई जा रही थी उन अटकलों पर विराम लग जाएगा और एक तरीके से देखा जाए तो रायबरेली के क्षेत्र में एक भाजपा की स्थिति मजबूत करने में कहीं ना कहीं अहम भूमिका निभाएंगी। तो इस तरीके से 4 बजे ये देखने वाली बात होगी कि अदिति सिंह आती हैं और क्या कुछ अपना पक्ष रखती हैं अगर वह सदस्यता ग्रहण करती हैं, और उस दौरान स्वतंत्र सिंह होंगे तो वो किस तरीके से बताएंगे कि जो गांधी परिवार का गढ़ है रायबरेली, उस रायबरेली में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में सेंध लगा सकती है। वाकई में अवनीश, ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका कह सकते हैं क्योंकि पारिवारिक सीट रही है अदिति सिंह की रायबरेली और अब बीजेपी का वहां पर कब्जा भी हो सकता है। अगर वहां पर अदिति सिंह एक बार फिर से बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में उतरती है, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया अवनीश आपका। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।